अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद और टेक्निकल चैनल पे आने वाले नए भाइयों को मोस्ट वेलकम। जी आज की हमारी वीडियो है, शारजा में एक हम लोगों ने G+5 बिल्डिंग का काम किया था साल पहले। इसी का पाइपों का फैब्रिकेशन की थी और कस्टम वगैरह भी किया था, पूरा काम मुकम्मल किया था। आज हम आए हैं उसको चलाने, किसी ने सही पूरी बिल्डिंग चलानी है, पूरी बिल्डिंग हैंडल करनी है। तो अब आपको दिखाते हैं कितने एसी हैं, क्या सिस्टम है। एसी आपको नज़र आ गए होंगे, ये एसी हैं, SKM कंपनी के एसी हैं, मेड इन UAE, दुबई का मेड है इसको, सही है ना। SKM के एसी हैं, मेड UAE है, आपको दिखाता हूँ, मेड इन UAE, ओके। वज्र तकीफ हवा, ओके, एयर कंडीशनर UQM, SKM, ओके। इसकी पाइपिंग हम लोगों ने साल पहले की थी, इनको फोडिशन पे बिठाया था साल पहले और रबड़ इनके हिसाब से लगाई है, बड़ी बड़ी, सही है। जो पहले ही एक वीडियो में मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड किए बताया था, रबड़ ये रबड़ उस रबड़ से ज़्यादा हैवी है, ओके। पाइपिंग इतनी हैवी नहीं की, सही है, पाइपिंग इधर इतनी हैवी नहीं हुई, सही है ना, क्योंकि इधर काम बेंडर के बगैर हुआ पड़ा, हाथ से हुआ पड़ा, बेंडर से नहीं किया, सही है। बाकी सफाई है काम में, सही है। ये काम इतना फैब्रिकेशन के हिसाब से काम इतना खूबसूरत नहीं हुआ, सीधी बात है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम बंदे कम थे और काम ज़्यादा था, फिर ज़्यादा हेल्परों ने किया, कुछ हम लोगों ने खुद किया, इधर बेंडर यूज़ नहीं हुआ। बाकी काम कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ी ब्रेजिंग लीकेज थी, वो हम लोगों ने करनी थी कंप्लीट, वो आज करने आए और इसी चलाने आए आज। बाकी नाइट्रोजन वगैरह सब कुछ हो चुका है, इनमें नाइट्रोजन डालनी थी, नाइट्रोजन डाल के लीकने वगैरह इनकी ढूंढनी थी, वो सब मिल गए, फ्लेयर इनके ओके थे। सबसे ज़्यादा फ्लेयर जो जल्दी लीक होता है वो है जनरल का, सही है, जनरल एसी का, जो बंदा जितना टाइट कर लो उसको, उसका फ्लेयर बिल्कुल बराबर बनाना पड़ता है, सही है ना, बिल्कुल बराबर दोनों साइडों को देखना पड़ता, पूरा राउंड में देखो किधर थोड़ी सा भी अगर खराश आ गई उसमें फ्लेयर के अंदर, तो फ्लेयर आपका लीक हो सकता है। बाकी सफाई आप देख रहे हैं, सफाई कितनी है खूबसूरत, बिल्डिंग का सफाई जो बिल्डिंग वालों ने खुद करवाया, बहुत ज़बरदस्त, सही है। और हमारे एसी के पोल्यूशन भी बराबर आपको नज़र आ रहे हैं, और रिबड़े से रिबट पूरा जो बिठाया हुआ, चैनल भी उन्होंने नीचे लगवाए हैं, सही है। ये बग़ैर बेंडर के काम हुआ पड़ा है, बेंडिंग जो बेंडर को जानते हैं, बेंडर क्या होता है, बेंडिंग का काम, सही है, फैब्रिकेशन पूरी हाथ से हुई है, क्योंकि उस टाइम ये न्यू बंदे ज़्यादा आए हुए थे, सही है, और काम बहुत स्पीड से चला, जिस तरह मालिक काम मांगते हैं फिर उसी तरह करना पड़ता है, सही है। जिधर मालिक बोलेंगे ऐसा करना, हाँ ऐसा ही करना है, छोड़ो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, तो फिर वह हम लोग ऐसे काम करते हैं, सही है। जिधर चाहिए होता ना मालकान को काम, थोड़ा कोई प्रेशर नहीं होता, दूसरी साइडों पे काम नहीं होता, एक साइड चल रही है, सुकून से चल रही है, तो फिर बोलते हैं ठीक है, मुश्किल नहीं, टाइम लग रहा है काम, तो कोई ऐसा भी होती है साइड, वो बोलते हैं कि इस तरह का काम हमें चाहिए ही नहीं, सही है, तो फिर उनको काम उसी तरह करके देना पड़ता है। बाकी आप इसी का लाइव लेवल देख लें, बराबर, सही है। तो जिस तरह कंपनी फाउंडेशन बना के देगी VIP, वैसे ही लोग जो है ना काम खूबसूरत करते हैं, खूबसूरत एसी फाउंडेशन पे बिठाना, सही है, पहले सोच के बिठाएं, देखें कि एसी बराबर है, सही है, फिर पाइपिंग उसी हिसाब से करें, ठीक है, फिर आती है खूबसूरती, फिर होती है मजबूती,
सही है। अगर हाँ आपको कंपनी बोल रही है नहीं खूबसूरती नहीं चाहिए, सही है, मज़बूती ज़्यादा नहीं चाहिए, बस काम फिनिश होना चाहिए जल्दी, बाकी जो है बाद में देखा जाएगा, फिर ठोको काम को, काम दिखाओ खलास करो, सही है। ये जी प्लस 5 बिल्डिंग है, सही है, 1 फ्लोर से लेके 5 फ्लोर तक जितने हैं एसी हैं सब उधर ऊपर पड़े हैं। आपको सीरियल दिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे 5 फ्लोर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर, ये सीरियल है पूरा, सही है। ये मॉडल कौन से पड़े हैं, आपको मॉडल दिखाता हूँ कौन से मॉडल हैं। मॉडल F48 मॉडल, सही है, 48 मॉडल पड़े हैं, ये भी 48 मॉडल पड़ा, वो भी सेट में 48 मॉडल पड़ा, OTS भी सेम है और फ्लैट भी इनका सेम है, तो ये भी OTS सेम है। और ये पहले हम इनका जो है ना डैम्पर का काम करके गए थे, सही है, ये जो है ना डैम्पर खड़ा, ये है फ्रेशियर का, वो भी फ्रेशियर का डैम्पर है, ये भी फ्रेशियर का डैम्पर है, ये भी फ्रेशियर का डैम्पर है, फ्रेशियर का कौन सा जो सीढ़ियों को यार देते हैं, सही है ना, फ्रेशियर, सही है। हमारा काम होता है काम करके देना, निकाल के देना काम, सही है, फिनिश करके देना है, जिस तरह मालिक को चाहिए, पास करवाना उनका काम है, सही है। अगर जिनको चाहिए होता है ना बिल्कुल मियाँ मियाँ काम, एक एक स्टेप देखते हैं, एक चीज़ देखते हैं, वो तो भाई पूरा पहले काम देखते हैं फिर लास्ट में पास करते हैं, नहीं होगा पास तो भाई निकालो, कटिंग करो दोबारा, दोबारा लगाओ, दोबारा फैब्रिकेशन करो। ये पैनल हम लोगों ने, ये एक स्मोकिंग का खड़ा है, सही है, ये फ्रेशियर का नहीं है, स्मोकिंग का, स्मोकिंग का ये एक्सलेटर डैम्पर, ओके, कनेक्शन कम्प्लीट है। अभी हम लोगों ने ड्रिल के लिए ना ये केबल ली, थोड़ा पावर चाहिए था इसीलिए ये खुला पड़ा। उधर भी एसी पड़े हैं उसे OTS के पास, बहुत ज़्यादा एसी है, सही है। आज इनकी जो लीकेजें थी निकली थी, लीकेज कुछ मिली थी, वो लीकेज ख़त्म करने आए हम लोग, सही है। ये 3/8 का पाइप है, 3/8 का पाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या नाम है उसका, नाइट्रोजन सिलेंडर के साथ, बिल्डिंग बहुत लंबी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए आपको पूरे तसल्ली से इसी नहीं दिखा सका, फिर टाइम ज़्यादा ज़्यादा होगा आपका भी, तो जितना था दिखा सकता था, अभी हम लोगों ने काम भी स्टार्ट करना है, सुबह सुबह का टाइम है, सही, तो ये थे इसी। एसी भी बहुत ज़्यादा है, मगर उन्होंने जो सेटिंग बनवाई है ना इस तरह की बनवाई है कि लेंथ भी ज़्यादा लंबी नहीं बनी, सही है, और सिस्टम भी इस तरह का बन गया कि कोई नया बंदा भी इस बिल्डिंग में काम करने आए, मेंटेनेंस करने आए, कल अगर हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता चलाने के बाद, तो किसी नए बंदे को भी अगर मिलता ना इसका एग्रीमेंट, तो उसके लिए मुसीबत नहीं बनेगी। ये बेशक हाथ का काम हुआ पड़ा, मगर इसमें कोई ऐसा काम नहीं हुआ पड़ा कि इसमें कोई यानी पाइप पिंच है या कोई इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम है या कोई केबल ख़राब है। हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टम से था इसका, केबल एसी से स्टार्ट होगी, आउटडोर से स्टार्ट होगी, इंडोर तक हमारी केबल कोई जॉइंट नहीं होगा उसमें, और केबल भी 4 कोर डालते हैं, बेशक हमें ये 2 केबल की ज़रूरत है, 3 केबल की ज़रूरत है, केबल 4 कोर जाएगी और मज़बूत वाली, सही, डू कप की वायर हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा, सही है, डू कप, ओके, और जॉइंट नहीं होता उसमें, सही, और पाइप जो लगे पड़े हैं
इनमें भी अंदर ओडीएस के अंदर कोई ब्रेजिंग नहीं है, इंडोर से लेकर आउटडोर तक कोई भी ब्रेजिंग नहीं है। सही है। इसलिए हम अपने काम की गारंटी देते हैं, हमारे काम की। कभी ये देखो, ये पाइप पड़ा, नाइट्रोजन हो गई है पूरी। नाइट्रोजन जो आदमी समझ रहा है उसको पता चल गया होगा, कोई बंदा नाइट्रोजन यूज़ नहीं करता, इतना फालतू खर्चा कोई भी नहीं करता। ये हमेशा LLC कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ वही ये काम करती हैं। नाइट्रोजन यूज़ करेंगे, AC को क्लियर करेंगे, मुसीबत ख़त्म करेंगे बिल्कुल। AC चला के देंगे, बोलेंगे बटन दबाओ भाई, अभी AC चलेगा बिल्कुल ज़बरदस्त मियाँ। फिर कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि यार हाँ ऐसा काम हुआ, सही नहीं हुआ, बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, ये जो सारे इतराज़ होते हैं पहले हम लोग ख़त्म कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम इतना मजबूती से करते हैं। सही है। ये जो छोटी मोटी कंपनियाँ होती हैं ना जनरल मेंटेनेंस की, वो फिर जो इस तरह का काम करते हैं, यानी कि ब्रिजिंग की, क्लियरिंग की, और फिर चलाने आ गए कुछ अर्सा बाद, फिर बोलते हैं हाँ यार वो यार गैस भी खोल दिया और इधर भी लेके निकल आई है, उधर भी लेके निकल आई है, फिर इसलिए मुसीबत बनती है। स्टार्टिंग में जब पाइपिंग शुरू की थी तो इधर हम लोगों ने बेंडर यूज़ किया था। बेंडर का काम आपको साफ नज़र भी आ रही है कि बेंडर से बना हुआ, इधर हाथ से काम हुआ, इधर हाथ से आपको नज़र भी आ रहा है। सही। तो अभी हम लोग करने लगे हैं स्टार्ट इसकी जो ब्रेसिंग, बाकी रह गई है लीकेज जो आई है, वो मिली है लीकेज ख़त्म करने के लिए। तो आज की तो बस वीडियो इतनी ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।